जीमेल पासपोर्ट रिकवरी बिना फोन नंबर के, बिना रिकवरी ईमेल के, बस दो प्रोसेस करना पड़ेगा। दूसरा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। श्योर है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीमेल पासपोर्ट रिकवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल में, आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है हाउ टू रिकवर जीमेल पासपोर्ट विदाउट रिकवरी ईमेल एंड फोन नंबर। तो इस तरह का आपको सर्च मारना है। तो यहाँ पर देखिए, मेरा पहले से सर्च मारे हुए थे, यहाँ पे हम पहले भी रिकवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसी को क्लिक कर देते हैं। तो इसी तरह से आपको भी सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है हाउ टू रिकवर योर गूगल अकाउंट और जीमेल। उसके बाद आपको जस्ट इसी के थोड़ा सा बगल में आपको दिखेगा हाउ टू रिकवर ए गूगल पासपोर्ट विदाउट फोन नंबर एंड विदाउट रिकवरी ईमेल के, यहाँ पे आपको इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ नया ही वेबसाइट आपका खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा नीचे आ जाना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे दिखेगा गूगल अकाउंट रिकवरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गूगल अकाउंट रिकवरी पेज दिखेगा, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अकाउंट रिकवरी पेज में ले आएगा। यहाँ पे आपको उस जीमेल आईडी को डालना है जिसको आप रिकवर करना चाहते हैं। जीमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन दिखेगा, आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट मांगेगा, तो यहाँ पे इंटर योर पासपोर्ट मांगेगा। तो पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आपको ट्राई अनदर वे में क्लिक कर देना है। ट्राई अनदर वे में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर भी आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा ट्राई अनदर वे, तो यहाँ पे आपको नीचे ट्राई अनदर वे में फिर से क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेम जीमेल पे ओटीपी चला जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम जीमेल पे आपका ओटीपी चला जा रहा है। तो अगर सेम जीमेल पे ओटीपी चला जाएगा तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको फिर से ट्राई अनदर वे में ही क्लिक करना है। जैसे आप ट्राई अनदर वे में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुड नॉट साइन इन यू का ऑप्शन आ जाता है, जिसके कारण से रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब आपका इस तरह का कुड नॉट साइन इन का ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले आपको लोकल किसी का वाईफाई को ऑन कर लेना है, आपका घर का परिवार का किसी का भी वाईफाई को ऑन करके कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ अब हम लोग का यहाँ से मेन प्रोसेस चालू होगा। तो दो चीज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका लोकेशन अगर ऑन है तो ठीक है, अगर लोकेशन ऑन नहीं है तो मोबाइल का लोकेशन को ऑन कर लेना है। दूसरा चीज आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मेन चीज शुरू होता है, लेकिन यहाँ से लोग नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कैसे कर रहे हैं, उसको आपको विशेष कर ध्यान देना है। आप वाईफाई कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, कर लिए हैं हम। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा इफ यू अकाउंट इज मैनेज्ड विद फैमिली लिंक, मतलब किसी भी मोबाइल से लिंक कर लेना है। तो यहाँ पे फैमिली लिंक कर लिए कोई भी मोबाइल। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सेंड एन ईमेल टू योर पर्सन टू चेंज योर पासपोर्ट। यहाँ पे आपका मेन प्रोसेस चालू होता है। यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ आएगा गूगल हेल्प, गूगल सपोर्ट का टीम आ जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैनेज योर कुड नॉट गूगल अकाउंट विथ फैमिली लिंक। यहाँ पे अगर आप फैमिली मोबाइल से लिंक किए हैं और वहाँ से वाईफाई लिए हैं तो यहाँ पे आपको अकाउंट रिकवरी करने का पूरा परमिशन दिया जाएगा और यहाँ से आप अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आ जाना है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा चेंज पासपोर्ट। ये आपका नॉर्मल दिखेगा चेंज पासपोर्ट। तो यहाँ पे आपको चेंज पासपोर्ट में क्लिक कर इस तरह से आपको उसको चिन्हित कर देना है। चिन्हित करने के बाद नीचे आपको फिर से यहाँ पे चेंज पासपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको चेंज पासपोर्ट में क्लिक कर देना है। चेंज पासपोर्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फ्री पासपोर्ट मैनेजर 2024। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप आसानी से पासपोर्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गेट ए पासपोर्ट नाउ, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा अपना नाम डाल देना है, जिस नाम से आप ईमेल आईडी बनाए थे। तो यहाँ पे आपको नाम डाल लेना है। नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको एक न्यू ईमेल आईडी डालना है, जिस ईमेल आईडी में आप ओटीपी मंगा सकते
सकते हैं। तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देना है। नीचे ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको बॉक्स दिखेगा, तो यहाँ पे आपको टिक चिन्ह कर देना है। जैसे टिक चिन्ह कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट बटन दिखेगा, आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कोड मांगेगा जो कि आपका मोबाइल में आ गया होगा। ईमेल में आपका मोबाइल में एक वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा और उस वेरिफिकेशन कोड में आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा वेरीफाई ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस में क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई ईमेल एड्रेस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ है योर ओनली नीड योर पासपोर्ट टू अनलॉक, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट में। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पासपोर्ट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 10 डिजिट का पासपोर्ट डालना है। 10 डिजिट का पासपोर्ट जैसे डालेंगे तो यहाँ पे आपको टिक चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद नीचे भी आपको सेम चीज सेम आपको डालना है नीचे भी। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद देखिए यहाँ फाइनली मेरा पासपोर्ट चेंज हो चुका है। इस तरह से आप भी आसानी से जीमेल रिकवर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रोसेस करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है और वीडियो को आपको रिपीट करके देखना है। और अगर फिर भी आपका जीमेल रिकवर नहीं हो रहा है तो स्क्रीन में जो वीडियो आ रहा है उस पे क्लिक करिए और वीडियो देखिए।